हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। टुडे इज़ 5 अप्रैल और यार वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब हो चुका है, क्योंकि सीजनली फीवर हो रखा है और आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल पा रहा है। आप लोगों को इसमें समझ में आ रहा होगा। और 12:30 पे मैं उठ चुका हूँ और आज फ्राइडे है और रमज़ान का जो लास्ट फ्राइडे होता है वो काफ़ी स्पेशल होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है, तो इसलिए मैं नहा वहा के अपना कुर्ता वगैरह पहन लेता हूँ क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है और आज की जो नमाज़ है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको मिस नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद अपना आज का पढ़ाई शुरू करेंगे और मे भी हो सकता है आज का सेशन उतना प्रोडक्टिव ना हो क्योंकि आज बहुत सारा काम भी है, तो इसीलिए। और जब नमाज़ पढ़ के आया था देखा कुछ मतलब हवा से छोटे मोटे जो मैंने प्लांट्स लगाए हुए थे वो गिर गए थे, तो उनको ठीक कर दिया और बांध के उनको सही कर दिया हूँ और आसपास के जो कचड़े थे उसको साफ़ कर दिया हूँ। और अब चलते हैं अपना फर्स्ट सेशन जो पढ़ाई का होने वाला है उसको शुरू करते हैं। तो उसमें मैं सोचा सेल्फ हेल्प बुक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हालांकि इससे पहले मैं कभी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ा नहीं हूँ और ना ही मुझे इसके बारे में कोई आइडिया है, तो मैं एक नई हैबिट डेवलप करना चाहता हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं सोचा एटॉमिक हैबिट्स को ही पढ़ लिया जाए। हालांकि इससे पहले एक बुक मैं पढ़ा था 55 क्वेश्चंस टू आस्क योर सेल्फ, लेकिन उसको मैं कम्प्लीट नहीं कर पाया था ड्यू टू सम रीज़न, बट इसको पढ़ रहा हूँ और साथ में कुछ पोज देने लग रहा हूँ अपने थंबनेल के लिए है। और इसको पढ़ता हूँ तो काफ़ी कुछ मतलब इंटरेस्टिंग इसमें जानने को मिला जो कि मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा अभी नॉलेज गेन नहीं कर पाया हूँ क्योंकि 2-3 पेज से क्या ही सीखने को मिलेगा जब तक एक आध चैप्टर नहीं पढ़ लेते। और फिर उसके बाद मैं अपना जो ज्योग्राफी का लेक्चर उसको शुरू कर देता हूँ क्योंकि कल रात को मैंने पूरा कंटिन्यू करके उसको कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि नींद आने लगा था जिसकी वजह से वो छूट गया था थोड़ा बहुत, तो उसका लगभग उसमें का आधा बच्चा हो तो उसको फिनिश करते हैं एंड देन उसके बाद जो है सो सी सेट की क्लासेस भी करनी है। तो यार मेरा जो टारगेट है कि 20 अप्रैल तक जो है सो किसी भी तरीके से मैं अपना ज्योग्राफी की क्लास को कम्प्लीट कर लूँ एनी हाउ और सिंगल रिविज़न भी साथ में कर लेना है ताकि बाद में एक मतलब समस्या ना खड़ी हो जाए रिविज़न को लेकर के। आज गाँव में एक छोटा सा इफ्तार पार्टी रखा गया है तो उसी में थोड़ा सा हाथ बटाते हुए और दिन भर रूम में पढ़ते लिखते और एक बंद कमरे में रहते रहते माइंड काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि दिन भर में 24 घंटे में आधा घंटा के लिए 10-15 मिनट या 1 घंटा के लिए घर से बाहर थोड़ा सा निकले, कुछ एक्टिविटी करे, दौड़े भागे या फिर कहीं इधर जाएँ। हालाँकि अभी रमज़ान चल रहा था तो उतना ज़्यादा एक्सरसाइज का कोई वो हो नहीं पा रहा क्योंकि रमज़ान के बाद मुझे एक्सरसाइज पर भी फोकस करना है। और फिर उसके बाद रात हो जाता है, उसके बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है अभी तक इफ्तार के बाद, तो अभी ये जो सेशन स्टार्ट हुआ है ये 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ है क्योंकि इस बीच अफ्तारी था, लंच वगैरह, फिर बहुत सारी चीज़ थी इसलिए नहीं हो पाया। तो ये जो सेकंड सेशन है और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि अपना टेबल को थोड़ा सा अच्छे से बना लूँ और ये जो थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग का जो इफेक्ट है इसको डालने का आइडिया मेरे मन में आया तो उसको थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ। और टाइम हो चुका है 1:43 और इसमें मैंने अभी तक एक लेक्चर कम्प्लीट कर लिया है ज्योग्राफी का, अब दूसरा लेक्चर मैं शुरू करने वाला हूँ तो वो शुरू कर चुका हूँ। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ओशियनोग्राफी और तो यार इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है क्लाइमेटोलॉजी और उसके बाद अब ओशियनोग्राफी शुरू कर रहे हैं। हालांकि क्लाइमेटोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स थे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और जो कि पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा मतलब रोमांचक बना रहे थे। और ओशियनोग्राफी पढ़ रहा हूँ, हालांकि इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि नई नई चीज़ें जानने को मिलती है ज्योग्राफी में, तो इसलिए पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। इसमें हम लोग पेड़ पौधे पहाड़ मतलब बहुत कुछ इसमें जो है सो ये नदियों के करंट कैसे चलते हैं, क्या सैलिनिटी क्या है, नमकीन क्यों होता है उसका पानी, तो ये नई नई फैक्ट जो है ना जानने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है मुझे। और अब देखते हैं कब तक इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं तो बाकी सब पे भी फोकस करना है क्योंकि एक सब्जेक्ट से तो नैया पार होने वाली है नहीं। खैर इस तरीके से अपना जो है सो लेक्चर वगैरह कंप्लीट हो गया है, मैं यहाँ पे दोनों लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया हूँ और सर कुछ टास्क दिए थे तो उसको भी सोच रहा हूँ कि 15-20 मिनट बचा हुआ है 6 बजने में सुबह के, तो इसको एटलस का कंप्लीट कर लेता हूँ। उसमें जो है सर आज नॉर्थ अमेरिका का पूरा माउंटेन सिस्टम्स और जो भी ओशियन वगैरह कौन कौन सा ओशियन कहाँ पे लोकेटेड है वो सब कुछ देख लेता हूँ। और 5:53 हो गया है तो सोने की तैयारी करते हैं। तो यार सोने तक तो तबीयत बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे जब मैं सो के उठा तो मेरा तबीयत ख़राब था, फीवर हो रखा था, तो इसलिए वीडियो एडिटिंग लेट हुई है जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो चुका है, लेकिन खैर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहा इसलिए मैंने जैसे तैसे वीडियो को बनाकर अपलोड कर दिया है। तो यार वीडियो जैसा भी लगा हो लाइक कर देना। One eternity later. ये कल तक तो तबीयत ठीक था लेकिन अब आज देख सकते हैं आज काफ़ी लेट उठा हूँ मैं और ये 2:29 पे आज सो करके उठा हूँ, यानी कि 8.5-9 घंटे में आज सोया हूँ जो कि ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है, लेकिन हालांकि तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा
ऊपर नीचे हो जाता है, खैर कोई नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि सब कुछ सही हो जाए, तबीयत ठीक हो जाएगा, दवाई वाई खा लेंगे, देन उसके बाद रेगुलर वीडियो भी आएंगी एंड पढ़ाई भी होगा। हालांकि पढ़ाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने दे रहा हूँ इसका,